इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजयता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मुंबई के भाटिया अस्पताल में कोरोना का कहर, 11 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के भाटिया अस्पताल में कोरोना का कहर जारी है। बीते रविवार को अस्पताल के 11 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक हॉस्पिटल में 25 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई है। रविवार को 150 कर्मचारियों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 11 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 300 के पार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में कोरोना से 9152 लोग बीमार हैं। वहीं इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 308 लोग जान गंवा चुके हैं। 7.5 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स को कामयाबी, ASI का हाथ वापस जोड़ा। चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों ने ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में हर कोई सुनकर हैरान है। डॉक्टरों ने पटियाला पुलिस के ASI हरजीत सिंह के कटे हुए हाथ को उनके शरीर से वापस जोड़ दिया है। रविवार सुबह लॉकडाउन तोड़ने वाले एक निहंग ने ASI का हाथ तलवार से काट दिया था। IPL को लेकर सौरभ गांगुली का बड़ा बयान, इस बार भूल जाइए टूर्नामेंट। IPL पर जल्दी BCCI कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कोरोना की वजह से विंबलडन और ओलंपिक खेलों पर पहले ही ग्रहण लग चुका है। ऐसे में IPL का आयोजन कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और इसका 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाना तय नजर आ रहा है। सौरभ गांगुली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में किसी भी तरह से खेल के पक्ष में इस वक्त कुछ भी नहीं है, IPL तो भूल ही जाइए। जोआ शजा मुरानी का कोरोना टेस्ट निकला नेगेटिव, घर लौटी दोनों बहनें। कोरोना वायरस से देश विदेश के आम नागरिकों के साथ साथ कुछ मशहूर हस्तियां भी जूझ रही हैं। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के बाद एक्ट्रेस प्रोड्यूसर करी मुरानी की दोनों बेटियां शजा और जोआ मुरानी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि दोनों बहनें अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट चुकी है। दोनों बहनों का आखिरी कोरोना टेस्ट नेगेटिव निकला। अब तक की खबरों में इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।